आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, ना सत्ता के पक्ष में ना विपक्ष के हक में, बात होगी सिर्फ जनता के पक्ष में। नौटियाल परिवार चक्राता विधानसभा के बाद विकास नगर विधानसभा में भी बने जरूरतमंद लोगों के मसीहा। आपको बता दें कि जौनसार पावर के 358 गांव में जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री वितरण करने के बाद बिसोई और कष्टा गांव में भंडारे का आयोजन के साथ साथ आसपास के गांव के जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किए गए थे, जिसके बाद आज बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल पूजनीय पिता श्री रामशरण नौटियाल और माता श्रीमती नीना नौटियाल के साथ मटोगी गांव भद्राज मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। स्थानीय लोगों ने नौटियाल परिवार का ढोल नगाड़ों के साथ माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया। नौटियाल परिवार ने मटोगी गांव में भी भव्य भंडारे के बाद क्षेत्र के करीब 250 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। भंडारे में पहुंचे क्षेत्र पंचायत सदस्य कुलदीप चौहान ने रामशरण नौटियाल के जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल का बखान किया और जौनसार बावर के दोनों विधायकों को सोते हुए शेर कहकर क्षेत्र में विकास कम और माल्यार्पण जैसे कार्यक्रम ज्यादा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगाए और रामशरण नौटियाल से आग्रह करते हुए आगामी चुनाव में क्षेत्र हित के लिए चुनावी मैदान में उतरने के लिए निवेदन किया। वहीं क्षेत्र के लोगों ने समस्या को लेकर भी चर्चा की। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क के खस्ता हालत को लेकर कई बार संबंधित विभाग और विकास नगर विधायक मुन्ना चौहान को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी है। विकास नगर विधायक साहब चुनाव के समय क्षेत्र में दिखे थे, उसके बाद ऐसे जैसे जानते भी नहीं होंगे। क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि जनता कितनी मजबूत और बलवान होती है, इसका जवाब आगामी चुनाव में दे दिया जाएगा। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते क्षेत्र की जन समस्याओं को सरकार में प्रमुखता से रखूंगा और क्षेत्र की जनता के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। वहीं चमोली आपदा को लेकर दुख प्रकट भी किया और मृतकों की आत्मा शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा। वहीं बॉलीवुड स्टार जुबिन नौटियाल ने भी चमोली रेणी गांव में आई आपदा के पीड़ित परिवारों की मदद के लिए राहत राशि जुटाने का निर्णय लिया। जुबिन ने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने इस प्रयास को साझा करते हुए प्रशंसकों से खुले दिल से सहयोग करने की अपील की। जुबिन ने इस मुहिम को जुबिन फॉर चमोली नाम दिया है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ संवाददाता रुद्र बहादुर थापा, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। देखिए, भद्राज देवता को मैं बहुत मानता हूँ। बचपन से ही मैं भद्राज मंदिर असल में ट्रैक करके जाया करता था वहाँ पर दर्शन लेने के लिए। तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है भद्राज देवता का, तो दर्शन करने आए, वो पहला उद्देश्य ही है। गाने का नाम है मैं जिस दिन भुला दूँ और गाने को कम से कम अभी 50-60 लाख लोग देख चुके हैं एक दिन में, तो सर, प्यार मिल रहा है सबका। दो शब्द गा के सुनाएंगे आप किसी उस गाने के? मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। देवभूमि में जौनसार बावर और बिनार का क्षेत्र, यहाँ मान्यताओं की बात है, ये सबसे अहम क्षेत्र है। यहाँ पग पग पे मंदिर हैं, गांव गांव में मंदिर हैं और गांव में और इस क्षेत्रों में मंदिर होने का अभिप्राय ये है कि लोग बागों की आस्था है, उसी से ये मंदिर एक प्रकार से बनाए गए होंगे और हम उसको, हमारी मान्यता है, हम इसलिए, और भद्राज की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, नहीं सभी के ऊपर, क्योंकि भद्राज एक ऐसी ऊँची ऊँची चोटी पर स्थित है जिनके नीचे हम सब लोग रहते हैं और हम लोगों को बड़ा आशीर्वाद है, हमारी ये मान्यता थी, तो हमने आज ये भंडारे का आयोजन किया है। आ रहे थे तो सड़क की जो जो हालत देख करके बड़ा ही वैसा लगा। हम बात करेंगे, अपने सरकार में बात करेंगे, अपनी पार्टी में बात करेंगे। यदि यदि देखा जाए, यदि आप लोग भी मीडिया वाले सब जगह जाते होंगे, प्रधानमंत्री सड़क योजना जनपद देहरादून में एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जहाँ ना टेंडर होते
ना काम देखे जाते, ना कोई जेई ड्यूटी पे है, और तो और जो अलाइनमेंट है वो ठेकेदार टेंडर लेने के बाद खुद ही अपने अलाइनमेंट से बनाता है। जिन्हें बोलना चाहिए वो पार्टनर बने हुए हैं ठेकेदारों के, जिन्हें बोलना चाहिए वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो जब बाढ़ ही खेत को खाने बैठेगी तो ये जनता ही देखी नहीं, जनता का दरबार है, जनता तय करेगी, जनता को करना चाहिए तय। प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, हमारे देश के बहुत महान नेता द्वारा ये योजना आरंभ कराई गई थी। मैं तो पहली योजना जो गई वो देहरादून जिला पंचायत में अध्यक्ष था, मेरे हस्ताक्षर से गई है। तो क्या उन्होंने ख्वाब देखा कि पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सड़क नहीं वहाँ सड़क जाए, अब सड़क इस रूप में जाए कि एक ये छोटा सा कार्यक्रम है, हमारा तो एक दिन का है, हमने एक्शन से कहा कि आप सफाई करा दीजिए, लेकिन अब फिर बारिश होगी, फिर कुछ नीचे मलबा वलवा गिरेगा और किसी को सांप काट दे या किसी के घर में कोई डिलीवरी का केस हो तो वो पहुँच ही नहीं पाएंगे, इसीलिए कई जगह रास्तों से मरते हैं। भ्रष्ट अधिकारियों ने और इस भ्रष्ट PMGSY ने इसने तबाह कर दिया पूरे ज़िले को, जो है चौनसार बावर में वो कर रहे हैं जो हमने कभी सुना नहीं था, मेरी भी इतनी एज हो गई है, वो कर रहे हैं ठेकेदारों को, जो ठेकेदारों को कंपटीशन नहीं होने देते, कोई कंपटीशन में आ गया तो उसकी FD निकाल देते हैं टेंडरों से और कह देते हैं उसका टेंडर इसी बात पे कैंसिल कर देते हैं। इंजीनियर कर रहे हैं ये काम और मिली भगत से कर रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, प्रदेश में सरकार बनाएगी, और ये जो माला डालने का कार्यक्रम है, जब से मैं जौनसार बावर में रिलायंस फाउंडेशन का 9 करोड़ रुपए का राशन उन्होंने मेरे बेटे के कहने पर दिया कि आप बांट दीजिए, ये माला का कार्यक्रम तब से शुरू हो गया। इधर हम राशन बांट रहे थे, इधर गांव में एक माला इसको पड़ रही है, एक उसको पड़ रही है। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि खूब माला डलवाओ, आज इससे डलवाओ, कल उससे डलवाओ, लेकिन दिमाग अपना खोल के रखिए, बस मेरा यही कहना है। जब तुम्हें कभी कुछ की, तो तुम्हें और कुछ नहीं दिया, माला डाल रहे हैं तो डलवाइए ना माला, ये काम तो कर रहे हैं। सर, सर चमोली में हुआ है, हाँ, सर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? चमोली में मैं बहुत खिन्न हूँ, उससे बहुत दुख की घड़ी है ये, और सबकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। मैं अभी सरकारी किसी ऐसे दायित्व में नहीं हूँ कि जो मैं ये कहूँ कि मैं इस पद पर रह करके मैंने ये काम किया है। हाँ, मेरे परिवार में गायक है, उसने पूरा नेटवर्किंग पूरे दुनिया के लेवल पे करके 14 तारीख को आप भी अपने मोबाइल पे उसका कार्यक्रम देख सकते हैं, अपना मोबाइल खोल करके सबको व्हाट्सएप पे भेजा है और लिंक भेज रहा है। लेकिन उस कार्यक्रम के पीछे उसने एक अपना और मुख्यमंत्री का ज्वाइंट अकाउंट खोला है और अपना अकाउंट नंबर दिया है। यदि आप वहाँ पीड़ितों से आप स्वयं को पीड़ित समझते हैं कि चाहे 10 रुपया ही उसमें डाल दें, तो मेरा आग्रह है कि उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, वो पैसा सीधा उन लोगों को जाएगा जो वहाँ हताहत हुए हैं, जो पीड़ित हैं। इतना हम जो कर पा रहे हैं हम करेंगे, आगे भी करेंगे। सर, चमोली आपदा में कुछ युवा भी बड़े खेत को लेकर बहुत खेत की बात है। ये जो हम धन इकट्ठा करना चाहते हैं, ये हम वैसे किया ही इसलिए जा रहा है, और हम CM से पर्सनली, क्योंकि ये सारा धन CM को जाएगा, चीफ मिनिस्टर को जाएगा, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं त्रिवेंद्र रावत जी, और मुख्यमंत्री खाते में जाएगा, और मुख्यमंत्री राहत का जो कोष है वो इन्हीं आपदाओं विपदाओं के लिए होता है, वो पैसा और कहीं खर्च नहीं होता है, वो किसी योजना में नहीं जाता है, वो सिर्फ यही है कि जो ऐसे पीड़ित हो उन्हीं को जाता है, और वो बहुत अच्छी तरह से उसका उपयोग होगा, उनको भी, उनके यहाँ भी पूरी सहायता जो कुछ नियमानुसार होती है वो होगी। केंद्र सरकार भी कर रही है, हमारी राज्य सरकार पहले ही कर चुकी है। व्यक्तिगत स्तर से अब जैसे ये मैंने कहा जुबिन का कार्यक्रम हो रहा है, तो मेरा परिवार भी देखेगा, हम भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे अपने ढंग से, और लोग कर रहे हैं, मुझे ही फ़ोन कर रहे हैं कि चलो अच्छा काम है, हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से ही जो मैं कहता हूँ कि 100 की लाठी 1 का बोझ। गाँव की क्या, एक बिनार एक पूरा ही क्षेत्र है, 20-22 बड़े गांव हैं और 70 के आसपास छोटी मोटी जो है वो, उनकी सबकी यही एक PMGSY सड़क है हमारी लांगा से मटोगी।
जो उनका जो है लाइफ लाइन मान लो, उसकी दुर्दशा आज आपने भी देखी होगी। और वो हाल हैं कि चार पहिया वाली गाड़ी तो आदमी निकाल के बड़े बड़े मुश्किल से लाता है, दुपहिये वाले कैसे जाते हैं, कैसे कैसे समस्याओं से लोग, महीनों महीनों भी सड़क बंद रही, आज भी बरसात निमटने के बाद भी उस पर कोई ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं, स्लाइड जोन एक जगह पड़ा हुआ इस सड़क में। तो हमारा सरकार से कहना यही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, सबसे पहले ये तो हमारी समस्याओं का निदान, चाहे सरकार किसी को, हमको सरकार से, किसी भी पार्टी को, हमें किसी पार्टी से कुछ नहीं, जो वर्तमान में सरकार है हम उन्हीं से तो बात अपनी बताएंगे, पत्र व्यवहार भी किया है, जब वो साइडों पे आते हैं उनके जेई एसडीओ उनसे भी बार बार लोग बात बताते हैं, इस बात को बोलते हैं नहीं हो रहा है, हो रहा है। और आज इसको बने हुए सड़क को शायद जो पेंटिंग के बाद एक कंडीशन रहती है इस सड़क में कि रख रखाव का 3 साल का जो भी क्या क्या एजेंसी करती है उसका रहता, वो समय भी शायद पूरा हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि इसको राज्य सेक्टर की सड़क में जो है शामिल किया जाए, ताकि इस पर जो है इसके छोटे मोटे काम के लिए दिल्ली का पैसा ना ठहरना पड़े और यहीं प्रदेश सरकार का पैसा लगे और लोगों को सुगमता से आना जाना हो। इस बात को रखा है विधायक जी के पास? विधायक जी को कई बार यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जब भी उनका इधर आना होता है तब भी ये समस्या बताई जाती है, और हमेशा आश्वासन यही रहता है कि हम कर रहे हैं, कर रहे हैं। और अभी तक विशेषकर यही हुआ कि बरसात की थोड़ी बहुत स्लाइड जहाँ से बिल्कुल ही बंद हो गई उस पर वो लगे, हम चाहते हैं इसकी पेंटिंग दोबारा से हो, इसकी DPR बन के बढ़िया से DPR बने, इसमें जहाँ भी दिक्कत है सड़क में उसको जो है व्यवस्थित ढंग से किया जाए, ताकि हमारा आना जाना अच्छा रहे, हमारी जो नकदी फसलें हैं वो आसानी से आदमी बाजार तक मंडी तक ले जाए, यही कहना है हमारा। जो नेता लोग यहाँ आते हैं खाली आश्वासन ही देके जाते हैं? आज तक आश्वासन ही मिला है जी। नोटियाल जी आया तो उन्होंने भी आश्वासन दिया आपको? नोटियाल जी अभी किसी सत्ता के किसी पद पे नहीं है, हम उनसे ज़्यादा वो कर भी नहीं सकते, और उनका प्रयास भी जो होगा हम उनसे भी इस अपेक्षा करते हैं कि वो भी इस मुद्दे को, इस सड़क को, जो भी यहाँ की लोकल समस्या है उसके लिए आगे अपने पार्टी से जो बातचीत करेंगे। विधानसभा चुनाव में लगभग 1 वर्ष शेष रह गया है, देखते हैं इस बीच में क्या करते हैं जनता, उसके बाद अपना फैसला खुद सुनाएगी उनको, उन्होंने कुछ किया होगा तो वोट पाएंगे, नहीं किया होगा तो नहीं देंगे लोग।